कहानी खुशबू की जुबानी। मैं मर्दों से नफरत करती थी मेरे सौतेले बाप की वजह से, जो मेरी माँ की मौत के बाद मेरे ऊपर जुर्म ढाने लगा। मैं अपने स्कूल के पॉपुलर लड़के अविनाश की मदद करना चाहती थी, जब शराब के नशे में मैंने उसे होटल के बाहर पाया था। उसे वहाँ से उठाकर होटल के कमरे में लेकर आ गई थी, पर नशे की हालत में उसने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया। शायद उसे यह घटना याद भी नहीं रहेगी, पर उसके जगने से पहले ही मैं अपने घर वापस आ गई। पर मेरे सौतेले पापा ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। इतना मार खाने के बाद जब मैं बिल्कुल ही ना उम्मीद होकर जमीन पर पड़ी हुई थी, मेरी नज़र मेरी माँ के बैंक पासबुक और कार्ड पर गया, जिसमें इतना पैसा था कि मैं कॉलेज जा सकती थी और सौतेले बाप के अत्याचार से मुक्त हो सकती थी। और फिर मैं न्यूयॉर्क से भाग गई। कहानी अविनाश की जुबानी। होटल में ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। अपने दोस्तों के साथ प्रॉम की रात में मैंने शराब पी ली थी और फिर अगली सुबह मेरी नींद होटल में खुली। मैं वहां पर अकेला था और बिस्तर पर खून था और एक कान की बाली थी तितली के आकार की। इस हादसे को हफ्ते हो गए थे और मैं फिलहाल ब्लीचर में बैठकर खाली फुटबॉल के मैदान को देख रहा था। छुट्टियों का सीजन आ गया था और यहाँ पर अब कोई भी नहीं था, पर मेरे पैर फिर से मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसी दो जगह है जहाँ पर मैं उसे देखने की उम्मीद कर रहा था। पहली जगह वह होटल है। मैं पहले दो दिन उसका वहाँ पर इंतज़ार किया था। होटल की लॉबी में बैठे बैठे बिल्कुल पागलों की तरह भीख मांग रहा था कि वह फिर से आ जाए, पर वह नहीं आएगी। अगर वह मेरा सामना करना चाहती तो वह मेरे जगने का इंतज़ार करती, पर उसने ऐसा नहीं किया था बल्कि मुझे छोड़कर चली गई थी। और वह दूसरी जगह स्कूल है। एक चीज़ मैं जानता हूँ, वो मेरा नाम जानती है। उसने मेरा नाम मेरे कानों में फुसफुसाया था। वह स्कूल से ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है पर काफ़ी संभावना है। पर यह क्यों नहीं आई, क्यों मुझ पर नहीं चिल्लाई, क्यों मुझे पीटी नहीं, क्यों मेरे गाल पर तमाचा नहीं मारा, क्यों मुझे जान से नहीं मारा। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैंने अपनी मुट्ठियों को खोला जिसमें वह कान की बाली रखी हुई थी और मेरे दिल फिर से टूटकर बिखर गया। मैं एक क्रिमिनल हूँ, राक्षस हूँ। मैंने उस लड़की के साथ घृणित चीज किया जिसने मेरी मदद की थी होटल के कमरे में मुझे वापस लाने में, जब मैं शराब के नशे में था। मैंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जबकि उसने बार बार कहा था बहुत दर्द हो रहा है, जो पाप मैंने किए हैं वह सारी जिंदगी मेरा पीछा करेगी। मैंने यह बात किसी को भी नहीं कही है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं इस बारे में जानता, ना ही मेरे पेरेंट्स, ना ही मेरी बहन। मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं एक लड़की के खिलाफ ऐसा किया था। उस इयररिंग पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि हल्की सी संभावना है कि मैं उस लड़की तक पहुँच सकूँ जिसका यह है और उससे पूछ सकूँ क्या यह तुम्हारा है। पर यह कभी हुआ ही नहीं। दिन बीतते गए और हर रात मुझे दुस्वप्न आते हैं, पर जितना भी दर्द मैं महसूस करता हूँ वह उसके मुकाबले कुछ नहीं है जितना कि मैं उसे दर्द दिया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दुस्वप्न से मेरी मौत हो जाएगी। यह दर्द इतना असहनीय है कि मुझे इसका इलाज चाहिए। मैं और लड़कियों से मिलना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद करती है, जो मुझे चाहती है, पर इतनी कमजोर नहीं कि वह टूट जाए जब मैं उसे छोड़ दूं। वह लोग जो मेरे साथ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि मजा करना चाहती है बल्कि कोई तार ना जुड़ा रहे। वह लोग जिसके साथ मैं बिस्तर पर सो सकूं, वहां अविनाश। वह अविनाश, यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी उन शब्दों की जगह जो मैं सपने में सुनता हूँ। तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो, यही मेरा इलाज है। उस नरक से निकलने के लिए यही मदद करता है। मैं उन्हें अच्छा महसूस कराता हूँ और वह शब्द जो मुझे बोलती है। मैं यह नहीं सुनना चाहता था। बहुत दर्द हो रहा है और इससे पहले कि मुझे पता चला मैं एक खिलाड़ी बन गया। आप जिस नाम से मुझे पुकार ले मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं नष्ट हो चुका हूँ। मैं जिन लड़कियों को चुनता हूँ वह वर्जिन हो, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं दोबारा से बिस्तर पर खून नहीं देखना चाहता ताकि मेरे अतीत की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाए। और जब भी मुझे थोड़ा भी शक होता कि इसमें लगाव है
तो मैं उसे नष्ट कर देता हूँ। मुझे कमिटेड रिश्ता रखना का कोई शौक नहीं, मुझे जरा भी इच्छा नहीं कि किसी के साथ किसी तरीके का बंधन रखूं। मैं अपनी बहन मोनिका का और ध्यान रखने लगा, उसके आसपास किसी लड़के को भटकने नहीं देता था। मैंने एक लड़की को चोट पहुंचाई थी और मुझे पता है कर्म का फल मिलता ही है, इसलिए मुझे डर था कि कोई मेरी बहन के साथ कुछ कर सकता है। मैं बिल्कुल सनकी हो गया था, लोगों के सामने मैं अजय हूँ, मेरे पैर जमीन पर नहीं रहते हैं, पर यह लोग बस मुझे बाहर से जानते हैं। एक अच्छा बेटा हूँ, प्यारा भाई हूँ और काफी ईमानदार दोस्त हूँ, पर जहाँ लड़कियों की बात आती है मैं एक खिलाड़ी हूँ, एक हृदयहीन राक्षस। कहानी खुशबू की जुबानी। मैं मॉल की दुकान में लाइन में खड़ी थी, लोगों का इंतजार कर रही थी कि अपना सामान का पैसा दे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैं अपने सामान को मुट्ठियों में कसकर भींच रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यह सामान खरीदूंगी, एक टेस्ट पैक। मैंने सोचा था कि मैं आखिरकार टेक्सस में एक शांतिपूर्ण नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, पर मैं कितनी गलत थी। मेरे पीरियड्स लेट हैं और इसका उस हादसे के साथ संबंध है जो अविनाश के साथ होटल में हुआ था। मैं इतनी दूर न्यूयॉर्क से टेक्सस में आ गई हूँ, यही पहली जगह है जो मेरे दिमाग में आई थी। यही वह जगह है जहाँ मेरे पापा रहते थे और शादी की शुरुआती सालों में हम यही रहते थे। हालांकि मैं इसे याद रखने के लिए बहुत छोटी थी, पर मेरे पापा को यहीं पर दफन किया गया था। मेरे हाथों से पसीने आने लगे जब मेरे सामने की औरत पेमेंट करके निकल गई, और अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी जब मैं कैशियर के सामने आई। एक घबराई सी टीनेजर एक टेस्ट पैक खरीद रही है। मैं किसी पत्थर के पीछे छुप जाना चाहती थी। अगर यह काउंटर में बैठी औरत मुझसे सवाल पूछा तो मैं जवाब दूंगी मैं अपनी बड़ी बहन के लिए खरीद रही हूँ। बस वह उत्साहित आंखों से मेरी ओर देखी और पेमेंट ले लिया, और मैं जल्दी से मॉल के वॉशरूम के अंदर आ गई। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कुछ ऐसा करना होगा। मैं टॉयलेट सीट में बैठकर बार बार प्रोसीजर पढ़ रही थी ताकि कुछ गलत ना कर बैठूं। मेरे पास बस एक ही टेस्ट पैक है, अगर गलती हो गई तो यह खराब हो जाएगा। सांस लेते हुए इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि मैं टेस्ट पैक कहीं नीचे ना गिरा दूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं उसे देखी, एक लकीर बनी थी, नेगेटिव है। मैं राहत की सांस छोड़ी, यह मेरे लिए एक डरावना लम्हा था। शायद स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से मेरे पीरियड्स देर हुए हैं। चीज बहुत खराब थी। जब मैं अपने लिए नया अपार्टमेंट ढूंढ रही थी, जरूरत का सामान खरीदा, कॉलेज की एप्लीकेशन फॉर्म भरी और इधर उधर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगी, जाने कितने देर तक टेस्ट पैक लिए उसकी ओर देखती रही कि कहीं से एक और लाइन न आ जाए। जब नहीं आया मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। जब मैं निकलने गई फोन में आवाज आई जिसमें मैसेज आया था। मैं तारक का नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो मैसेज शायद उन स्टोर से होगा जहां पर मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया है। उत्सुक होकर मैं अपना फोन पॉकेट से निकाली। मेरा दिल डूबने लगा जब मैंने देखा उनमें से किसी का मैसेज नहीं था। मैसेज हाई स्कूल के ग्रुप में से था जहां पर सीनियर हाई स्कूल की लड़कियां थी। मुझे ग्रुप चैट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जो प्रेसिडेंट थी लड़कियों की उसने मुझे ऐड कर लिया था। उन मैसेज में मेरा ध्यान खींचा क्योंकि वह लोग एक ही लड़के के बारे में बात कर रही थी और वह था अविनाश डॉली। यह तो सच है कि अविनाश स्मिता के साथ डेट कर रहा है। मैं उन दोनों को साथ पार्टी में देखा था, किस कर रहे थे अंजना हमारे सीनियर के साथ। मुझे तो लग रहा था कि वह कैटी को डेट कर रहा है। रेखा, मैं अविनाश को चीयर लीडर लड़की मिली के साथ देखा। मैं अपने गले पर एक गांठ महसूस करने लगी, मैं निगलने लगी। तो अविनाश अभी बहुत सारी लड़कियों के साथ रिश्ता बना रहा है, पर मैं इतनी अवाक क्यों हूँ? पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं टूट गई हूँ। मेरा दिल टुकड़ों में बिखर चुका है, मैं अपनी वर्जिनिटी उससे खो बैठी, और मैं अपने सौतेले पापा तारक से भी इतनी मार इसलिए खाई थी क्योंकि मैं उसकी मदद की थी। यहाँ तक कि अविनाश के लिए मैं प्रेग्नेंट होते होते बची। मेरे सीने में दर्द होने लगा, मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरे आंखों में आंसू आने लगे। 2 साल बाद गुनगुनाते हुए मैं खुद को शीशे में देख रही थी। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था, आज मेरे इंटर्नशिप का पहला दिन है और मैं खुश होने के साथ साथ काफी घबराई हुई भी हूँ। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई जब मैं शीशे में अपने आप को देखा। मैं एक सफेद ब्लाउज और काला जैकेट और ट्राउजर पहनी, और मेरे हिल्स से मेरा लुक एकदम पूरा होता है। मैं अपने लंबे बादामी बाल को कंधों तक खुला छोड़ा है जो कि मेरे पीठ के बीचों बीच आता है, हल्का हल्का कर ली है।
मैंने हल्का सा मेकअप और लिपस्टिक लगा लिया ताकि ऑफिस में ठीक लगे। खुद को देखकर मैं कुछ कर न सकी पर सोचने लगी कि मैं पहले से कितनी अलग लगती हूँ। यह बहुत मजेदार है कि उस समय मैं अपने बालों को काट कर सामने आईब्रोज तक रखती थी और अपने आंखों में मोटे चश्मे से ढक रखती थी ताकि मेरी आसमानी आंखें उनको नजर नहीं आए, जिसे उसे देखकर मेरी माँ की याद आती थी। मेरा सौतेला बाप तारक अब जा चुका है, अब कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसे छुपाऊं। मैं पहले से अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ कि मुझे खुद को छुपाना नहीं पड़ता। संक्षिप्त में कहूँ तो मैं उस नरक से निकलकर आ चुकी हूँ और खुद पर गर्व महसूस करती हूँ। मैं काफी खुश हूँ जो कुछ भी मुझे मिला। टेक्सास में मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है और मैंने अपनी माँ के पैसों का अच्छा इस्तेमाल किया और मुझे यहाँ अच्छा पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया। पहले की तरह ही मैं बुक स्टोर में काम करना पसंद करती हूँ क्योंकि कस्टमर का इंतजार करते करते मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ और अपने पढ़ने को कुछ ना हो तो वहाँ की किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ। मैं लग्जरी के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती, बस अपनी जरूरतों को मिटाती हूँ। मैं खुद को भूखा नहीं रखती, मेरे पास काफी कपड़े हैं और रहने के लिए अच्छा घर है जो कि यह अपार्टमेंट है। मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह कभी नहीं गई क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद है। ना सिर्फ यह अपार्टमेंट दूसरे अपार्टमेंट से अच्छा है बल्कि इसकी मालकिन मार्था भी काफी दयालु महिला है। वह लगभग 60 साल की है और यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती है बिल्कुल अकेली। कभी कभी उनका बेटा बहू और उनके नाती पोते उनसे मिलने आते हैं। मुझे अभी याद है कि मैं रोई थी जब मुझे देश के सबसे बड़े तेल कंपनी में इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी में इतना संतुष्ट कभी नहीं हुई थी। मेरी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छी है और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेजर कर रही हूँ और 100 से भी ज़्यादा बार भगवान का शुक्रिया अदा की हूँ 2 साल में जो अपनी जिंदगी उसने मुझे दी है। अपना बैग लेकर मैं निकली और मकान मालकिन से भी मैंने वह खुशखबरी दी और फिर बाहर आई। मैंने देखा मेरी पड़ोसी सीमा काम पर जा रही थी और उसका छोटा बेटा रमन जो कि 6 साल का था मीठी आवाज में कह रहा था, माँ आपका जाना जरूरी है, आप यहाँ रुककर खेल नहीं सकती मेरे साथ। उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझे काम पर जाना है पर मैं वापस आकर तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। वह अपने कार में बैठकर चली गई और फिर मैं उस बच्चे रमन के पास आ गई और उसे स्कूल बस में बैठाकर विदा किया। इस चक्कर में मुझे देर हो गई थी और अब मुझे कैब से पहुंचना पड़ेगा। मैं कुछ कर नहीं सकती बल्कि सोच रही थी मेरा पहला दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ अच्छा होगा या कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की है। मेरा अनुमान है मुझे जल्दी पता लग जाएगा। मेरी नब्ज तेज हो गई जब मैं एलिवेटर से बाहर कदम रखी डिपार्टमेंट में उस फ्लोर पर पहुंची जहां मुझे अभी रिक्रूट किया गया है इंटर्न के रूप में। SG तेल और गैस का हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे इंटर्न के रूप में चुना है, पर फिर शायद मुझ में कुछ अच्छा देखा होगा। मुझे अच्छा सोचना चाहिए। लड़ते रहो खुशबू डिपार्टमेंट के लॉबी में चल रही थी, एक लड़की से मिली। उसके बाल छोटे थे, मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग, तुम खुशबू होगी। गुड मॉर्निंग, हाँ मैं यहाँ इंटर्न के रूप में ज्वाइन करने वाली हूँ, कहकर मैंने अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं सारा हूँ, कहकर वह अपना हाथ बढ़ाई। आखिरकार मुझे प्यारी जूनियर मिली, उसने कहा। उसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी हंसने लगी। जब उसके साथ मैं अंदर आई मुझे लगा सारे उत्सुक लोग मेरी ओर देखेंगे, पर मैं गलत थी। सारे लोग फ्लोर के आखिरी छोर पर इकट्ठा हुए थे एक ऑफिस रूम के सामने। वह तुम्हारा दोस्त है, वह भी नया इंटर्न है, आज आया है और डिपार्टमेंट का हेड उसका स्वागत कर रहे हैं। तुम्हें भी वहाँ लेकर चलूंगी लेकिन पहले मैं तुम्हें तुम्हारी सीट दिखा दूँ ताकि तुम अपना पर्स वहाँ रख लो, फिर सबके साथ बातचीत करना, सारा ने कहा। मैं अपनी भौं ऊंची की, वाओ यह नया इंटर्न पहले ही लोगों का ध्यान खींच रहा है, मैं इससे शायद बाद में मिलूंगी। जब हम उस जगह पर आए जहां मेरी सीट थी वह काफी बड़ी जगह थी और मेरा चेयर और लैपटॉप और कुछ कागजात पहले से ही वहां लगे हुए थे। मैंने सोचा यह काफी अच्छी जगह है। पीछे एक और सीट थी, 2 लोगों की जगह है और मैं अनुमान लगा रही थी कि मेरा दूसरा साथी जो इस क्यूबिकल में बैठेगा वह नया इंटर्न लड़का होगा।
मैं बोर्ड पर मेरा लगा हुआ नाम देखने लगी। खुशबू गुप्ता, मुझे खुद पर गर्व है, मेरी माँ होती तो उन्हें भी गर्व होता। मैं पलटकर दूसरे वाले डेस्क पर नाम पढ़ा तो सदमे से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऐसा लगा मेरी आंखें बाहर निकल आएगी। जब मैं बोर्ड पर जाना पहचाना नाम पढ़ा, अविनाश स्पेंसर, मेरा दिल मानो थम गया। मैं बार बार वह नाम पढ़ने लगी। मेरी दृष्टि को कुछ हो गया है क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, अपनी जगह पर जम गई और मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद से वादा किया था मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, पर यहाँ जो हो रहा है वह मेरे अतीत का हिस्सा है, मेरा दर्दनाक अतीत। मेरा दिल, शांत हो जाओ, शायद अविनाश स्पेंसर नाम का कोई दूसरा आदमी होगा जो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करने आया हो। चलो मैं तुम्हें दूसरों से मिलाती हूँ, सारा ने कहा, जिससे मैं अपने ध्यान से वापस आई। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट हेड का ऑफिस था। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही थी। जब आखिरकार उस भीड़ में पहुंची, मैंने अपने बॉस का अभिवादन किया। सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। जब भीड़ को एहसास हुआ मैं यहाँ हूँ, सबने रास्ता छोड़ दिया और मेरा दुस्वप्न मेरे सामने था। वहाँ भीड़ के बीच में खड़ा था अविनाश स्पेंसर और अचानक मैं सांस लेना भूल गई। काफी लंबा समय हुआ था जब मैं उसे आखिरी बार मिली थी। मुझे उसके अभी सुनहरे बाल याद है जो थोड़े से बिखरे हुए रहते थे उस समय हाई स्कूल में, और अब न केवल अच्छे से स्टाइल कर रखा है बल्कि फॉर्मल कपड़े में भी है। इसके कपड़ों में काफी अच्छा लग रहा है, पर अब भी मर्दाना लग रहा है, जैसे कि उस समय फुटबॉल के मैदान में रहता था। पहले से ज्यादा लंबा और काफी गहरी नीली आंखें अभी उतनी ही तीव्र थी। यह अविनाश है, मैं पक्का उसका ध्यान खींचा जब वह मेरी ओर मुड़कर देखा। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्ट कर पाती, एक आवाज मेरे कानों में आई, तो यह खुशबू है। जैसे ही मैं उस आवाज की ओर मुड़ी, एक 40 साल के आसपास का आदमी सामने खड़ा था। देखकर ही लग रहा था वह डिपार्टमेंट का हेड है। हाँ सर, कहकर हम दोनों हाथ मिलाए। प्लीज मुझे जॉर्ज कहो और तुम्हारा एसपी में स्वागत है। यहाँ जितना सीखना चाहो सीखो, हिचकिचाना मत, और हम तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। तुम और अविनाश अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैंने सर हिलाया और उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया और खुद से वादा किया कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। बस मेरा नया पार्टनर यहाँ अनपेक्षित है। अविनाश मुझे देखने लगा और मैं उसकी आंखों को अनदेखा करने लगी, और फिर मैं अपने सारे सीनियर कलीग से मिली। शुक्र है यह काफी अच्छे और दोस्ताना है। जब वक्त आया कि मैं अविनाश का सामना करूं, मुझे लगा कि मैं पृथ्वी से गायब हो जाऊं। मैं उसकी तरफ मुड़ी तो वह मुझे देखकर मुस्कुराया। खुशबू, उसने कहा, उसकी आवाज जो मेरे दिल को पिघला देता था, और अब तो उसकी आवाज और भारी है। मैं अविनाश हूँ, अविनाश स्पेंसर, और तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई, कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह पक्का मुझे नहीं पहचाना है, ऐसे बात कर रहा है जैसे हम पहली बार मिले हैं। नहीं अविनाश, हम पहले मिल चुके हैं, पर बहुत पहले ही मैं अपनी किस्मत को स्वीकार चुकी हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ जो सब कुछ याद रखी है हमारे बारे में। मेरा दिमाग चकरा रहा था जो कुछ भी हो रहा था और जितना सब कुछ हुआ था, कि आखिरी चीज मैं चाहती हूँ कि वह मुझे छुए, पर अभी इस हालात में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाय अविनाश, मैं बिना मतलब मुस्कुराई, मैं खुशबू हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे से मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जब उससे हाथ मिलाया, ऐसा लगा मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। यह बहुत लंबा जाने वाला है। सब कलीग से मिलने के बाद जॉर्ज ने मुझे और अविनाश को बुलाया, डिपार्टमेंट हेड और क्षेत्र के हेड को भी साथ में बुलाया था, और तब पता चला कि और दो लेवल के बाद जॉर्ज सबसे सीनियर है। उनके ऑफिस के अंदर उन्होंने हमारा काम समझाया और हमसे क्या उम्मीद है बताया। जब मैं वहां से अपने केबिन में वापस आई, खुद को बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़ता हुआ पाया। अविनाश की ओर देखा तो वह भी अपने काम में डूबा हुआ था। बीच में सारा आकर अपने फेवरेट बैंड के बारे में बात कर रही थी, जिससे मैंने देखा अविनाश मुंह दबाकर हंसा। कुछ देर बाद कोई अविनाश के डेस्क के सामने आया। उसके काले बाल और हरी आंखें थी। हमसे बस एक दो साल ही बड़ा होगा, मैं तुम्हारा बड़ा स्वागत मिस कर गया। नहीं किया, वह अविनाश को देखकर नखरे की मुस्कान दी। इससे पहले कि मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, अविनाश खड़ा हो गया और सामने नए व्यक्ति को देखकर थोड़ा चौंक उठा, और उसके बाद उसे हग करके हाथ मिलाया। ऐसा लगा दोनों दोस्त यार काफी लंबे समय तक नहीं मिले हैं।
क्या बात है ड्यूड, काफी लंबे समय तक नहीं मिले, तुम यहाँ काम करते हो? अविनाश ने पूछा। वह लड़का हंसने लगा, कहा, क्या यह साफ नहीं है? मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था। जब पता चला तुम इंटर्न के रूप में ज्वाइन करने वाले हो, फिर लगा तुम्हें सरप्राइज करूं। अविनाश अविश्वास के सर हिलाने लगा और मेरी तरफ देखा। खुशबू, यह लोकेश है। अविनाश ने मुझसे पहचान कराई, यह हाई स्कूल में मेरा सीनियर है, मुझसे 2 साल बड़ा है और मेरा फुटबॉल पार्टनर भी। और लोकेश, यह खुशबू है, नई इंटर्न। मुझे अपने स्कूल के सारे फुटबॉल प्लेयर का चेहरा याद नहीं है, पर यह थोड़ा ज्यादा पहचाना लग रहा है। मैं खड़े होकर उससे हाथ मिलाई, कहा, खुशबू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। खुशबू, वह मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी देखी, कहा, मुझे अभी अपने बॉस से मिलना होगा, चलो मैं चलता हूँ, कहकर वह वहाँ से चला गया और उसके बाद से समय जल्दी बीत गया। कई बार अविनाश ने चेयर को मेरी ओर मोड़कर मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में सवाल पूछा और मैं शॉर्ट में जवाब देती। करीब 1 घंटे के बाद सारा अपने कंधे में बैग लेकर मेरे पास आई। कैसा चल रहा है, उसने कहा। मैं तुम्हें बता दूं कि अभी ऑफिस खाली होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग शेयर होल्डर की मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, मैंने कहा, और अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ घंटे बीत गए और अभी लंच ब्रेक था जब मैं अपनी नोटबुक बंद की। मेरे सामने अविनाश आकर खड़ा हो गया। क्या तुम साथ लंच करना चाहोगी, उसने पूछा। मेरा मतलब, मैं भी यहाँ नया हूँ और मुझे कुछ पता नहीं, पर नीचे कुछ रेस्टोरेंट देखा है जो काफी अच्छा लग रहा है। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? यह कॉमन सेंस है कि हम साथ में लंच करें जब हम दोनों कलीग्स हैं और बाकी सारे लोग ऑफिस से बाहर गए हुए हैं। आमतौर पर मैं ऐसे बात में जवाब देने में देर नहीं करती, पर फिलहाल मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे माफ करना अविनाश, मैं जितना भद्र हो सके उतना होने की कोशिश कर रही थी। मेरा पहले ही एक अपॉइंटमेंट है, मैंने झूठ कहा और माफी मांगने की दृष्टि से उसे देखने लगी। कोई बात नहीं, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज में मुझे हल्की सी निराशा नजर आई। एकदम कूल है, मैंने कहा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। मैं एलिवेटर पकड़कर सीधा बाहर आ गई और बाहर खुली हवा में सांस लेने लगी। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था जब मैं अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे प्रोफेशनल होना चाहिए, अविनाश बस मुझे से जान पहचान बढ़ाना चाह रहा था, पर मैं इसमें मदद नहीं कर रही। जब हम दोबारा मिले हैं तो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, पर मेरे लिए यह करना इतना मुश्किल क्यों है? मैं हाँफ रही थी, अपना हाथ अपने सीने में रखी और सोचा कि मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहानी अविनाश की जुबानी। खुशबू को एलिवेटर की तरफ जाते देखा, मेरा उससे जान पहचान बढ़ाना हवा में मिल गया। मेरा अनुमान है मैं खुद ही जाकर लंच करूंगा। जब मैं डिपार्टमेंट से निकल रहा था मैं लोकेश से टकराया। मुझे लगा था तुम बाहर वाला मीटिंग अटेंड करने जाओगे, मैंने उससे पूछा। लोकेश सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उस मीटिंग में मैं नहीं गया। तुम कहाँ जा रहे हो, लंच करने? हाँ, एलिवेटर का दरवाजा खुला और हम दोनों अंदर घुस गए। चलो फिर, मैं भूख से मर रहा हूँ, उसने मुझे न्योता दिया। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद उसने पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें यहाँ इंटर्न के रूप में काम मिल गया है? मैंने कहा, अच्छा कहना कम होगा, मुझे सच में बहुत गर्व है। लोकेश ने कहा, क्या सच में? मुझे भी लगता है कि तुम्हें गर्व होगा, हालांकि यह पक्का नहीं, थोड़े वक्त के लिए है, पर तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा लगा मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा है? और फिर उसने एक नखरे की मुस्कान दी। हाँ, मैं यहाँ टेम्पररी स्टाफ हूँ और वो पक्का एम्प्लॉय है। मुझे लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, पर मुझे याद है 2 साल पहले क्या हुआ था जब मैं उसके साथ पी रखा था। उसने मेरे साथ ऐसा ही उपहास किया था जब मैं उसे फुटबॉल की वजह से बोस्टन के स्कॉलरशिप के बारे में बताया था। या शायद मैं वह भूलना नहीं था जब वो मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और रास्ते में यूं ही मुझे छोड़ दिया था। मैं वह भी याद नहीं करना चाहता जो उसके बाद हुआ था, वह अंतहीन दुस्वप्न। खाने का इंतजार करते हुए हम कंपनी में कैसे काम चलता है उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो टॉपिक बदल देता, ड्यूड, लड़कियां मुझे मार डालेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपनी आंखें घुमाई और वह बिल्कुल पागल हो जाएंगी। तो उसके पास अभी टाइम है हाई स्कूल की लड़कियों के साथ टाइम पास करने का, जहाँ मेरी बोस्टन की जिंदगी काफी व्यस्त चल रही है। उसकी बात सुनकर फिर से मैं उपहास किया।
लड़कियां कौन? जूली, विक्टोरिया, टीना, कुछ लड़कियों का नाम उसने लिया। कुछ लड़कियों का नाम मुझे याद है, वह ज्यादातर लड़कियों का नाम मुझे याद तक नहीं है। तुम्हारी नई इंटर्न दोस्त के बारे में क्या, वह अच्छी लड़की लगती है? उसने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था उसने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। बहुत अच्छा है कि नई औरतों का चेहरा देखना। हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादातर औरतें शादीशुदा है और जो लड़कियां अब तक सिंगल है वह अट्रैक्टिव नहीं है। वह हंसने लगा। अच्छी बात है कि नई आंखों को लुभावने वाली लड़की मिली है, एकदम नया माल है। मुझे इस बात से हंसने का मन नहीं किया। मैं लोकेश का रेपुटेशन जानता हूँ, वह मेरी तरह है पर मैं उसके जैसा नहीं खेलता। उसे देखकर लगता है वह अपना बेस्ट यहाँ देना चाहती है और मुझे नहीं लगता जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है वह उसकी मदद करेगी। मैं उसे बात सुनाया। तुम उसे परेशान मत करो, यह आखिरी चीज है जो वह तुमसे चाहती है। वह देखने में काफी मेहनती लड़की लगती है। तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे मुझे जानते नहीं। इतना कहते हुए वह अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। अगला दिन आ गया और आधे दिन बीत गए थे जब मैं खुशबू और दूसरे कलीग के साथ लंच करके वापस आया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह ना सोचूं खुशबू सिर्फ तभी कंफर्टेबल है जब हम ग्रुप में रहते हैं। हो सकता है कल सच में उसका कोई दूसरा अपॉइंटमेंट होगा। मैं अपनी सीट में बैठकर उसकी ओर मुड़ा तो देखा वह लिपस्टिक लगा रही थी। लंच ब्रेक के बाद मैं इससे पहले भी बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी है पर इसके अंदर कुछ है जिसने मेरा ध्यान उसकी ओर जा रहा है। वह मेरी ओर देखी और मैं उसकी ओर देखता हुआ पकड़ा गया। हे भगवान, ऐसा इम्प्रेशन नहीं बनाना चाहता था, मैं खतरनाक हूँ। अचानक से उसका फोन बजा, सारा का फोन था और मैं खुशबू को सारा से बात करते हुए सुना। वह प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ चीज ढूंढ रही थी। मैं हैरत में था कि वह इतनी मेहनत से इतनी फाइल ढूंढ रही कर वह कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही थी जबकि जॉर्ज ने साफ साफ कहा था कि मैं इसका इंचार्ज हूँ। वह मुझसे क्यों नहीं पूछती, यह पक्का है वह मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने देखा है जब मैं उससे बात करता हूँ वह मेरी आंखों में नहीं देखती और शुरुआती जान पहचान की कोशिश बस मैं ही किया। वह मुझसे कभी बात करने में पहल नहीं करती, कभी कोई लड़की मेरे साथ यह चीज नहीं करती, इसलिए मुझे काफी झुंझलाहट होने लगी। लड़कियां हमेशा मुझसे जल्दी ही मिक्स हो जाती है लेकिन फिर मेरे स्कूल के और कॉलेज के ग्रुप के लोग सब जानते हैं कि मैं प्लेयर हूँ। शायद खबर उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गई हो और खुशबू को भी इस बारे में पता हो। क्या इस वजह से वो मेरे साथ इतना अनकंफर्टेबल रहती है? पर यह बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर उसे लगता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ वह बिल्कुल पागल है। मैं अविश्वास से मजाक किया और उठकर वहाँ से चला गया। मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे कॉफ़ी पीना है। ऑफिस का टाइम खत्म हो गया और जिस समय हम दोनों अपना काम खत्म किए 6 बज रहे थे। मैंने देखा वह खड़ी होकर अपने फ़ोन और बाकी सामान अपने पर्स में रखी। मैं चेयर में खड़ा हो गया। क्या तुम जा रही हो? हाँ, उसने सिर हिलाया और मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दी। मुझे लगता है कि मुझे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि इस घड़ी अब कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके पास कार नहीं है और कैब का पैसा कंपनी रिम्बर्स कर देगी। पर उसने जो कहा मुझे थोड़ी सी चिंता हुई। तुम कहाँ जा रही हो? ईस्ट डाउनटाउन, उसने कहा। अच्छा, मैं उस एरिया को पास करने वाला हूँ अपने घर के रास्ते में। क्या मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँ? मैंने पूछा। तो फिर तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि टैक्सी मिले ना मिले। वह जम गई। इससे पहले कि मेरी ओर देखती उसकी आंखों में ग्लानी थी। सब ठीक है अविनाश, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों में आई। मैं सिर हिलाया और वह मुझे छोड़कर चली गई और मैं बेवकूफ़ों की तरह वहां खड़ा रहा। यह दूसरी बार है जब उसने मुझे मना किया। जब मैं निकलने ही वाला था पाया लोकेश और खुशबू एलिवेटर के सामने खड़े थे। मैं भी ठीक उसी जगह पर जाता हूँ। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? इससे तुम्हारा समय बच जाएगा। इस समय विश्वास करो कैब ढूंढना परेशानी से भरा होता है, लोकेश ने खुशबू से कहा। खुशबू थोड़ा सोची फिर कहा, ठीक है थैंक यू। इससे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह इतनी आसानी से लोकेश का ऑफर मान ली। मैं भी तो उसे यही कहा था, मुझे क्यों इनकार कर दिया? क्या उसे मुझसे कुछ दिक्कत है? एलिवेटर खुला और वह दोनों चले गए। सिर हिलाता हुआ मैं कोसने लगा। मैं कार चलाने लगा तो मेरी बहन मोनिका की आवाज़ कार में गूंजने लगी। बोस्टन यूनिवर्सिटी में वह अपने पहले साल में है और मैं तीसरे साल में। मैं उसे छोड़कर यहाँ बहुत जल्द आ गया। मुझे बुरा लग रहा था
पर मुझे यहाँ इंटर्नशिप मिल गई है। उसे छोड़कर आने में मैं बहुत घबरा रहा था क्योंकि इससे पहले वो कभी अकेली नहीं रही। पर मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा पक्का दोस्त क्रिश वहाँ पर है और मैं क्रिश पर भरोसा कर सकता हूँ कि वह मेरी बहन को अच्छे से ख्याल रखेगा। वह बाय करके फ़ोन रखने वाली थी कि तभी मेरी नज़र पड़ी सामने वाले अपार्टमेंट में, जहां लोकेश कार से उतरा और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और खुशबू बाहर निकली। वह दोनों आमने सामने खड़े थे और लोकेश ने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था, जिससे मैं और ज़्यादा झुंझलाहट में आ गया। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और वहां से निकल गया। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? वह जो चाहे कर सकती है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोकेश पक्का मेरी नई इंटर्न पार्टनर को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, अविनाश जिस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो उसके सामने है, पर वो खुशबू को कैसे पहचान पाएगा? उस रात के बाद अविनाश को कुछ भी याद नहीं। यह जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।